ये है दिल्ली दर्पण। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए आदर्श है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। ये एक बड़े बदलाव की तैयारी है, ये एक तस्वीर को बदलने का प्रयास है, ये पुनरुत्थान का संकल्प है, ये अपराजिता है। कहते हैं कि किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जरूरत होती है एक कदम बढ़ाने की, और वो एक कदम बढ़ा दिया है सेवा भारती और उनके साथ जुड़ी इन महिलाओं ने। जी हां, पूरे देश में सैकड़ों प्रकल्प और अनवरत सेवा कार्यों के पर्याय बन चुकी सेवा भारती ने एक और नेक मुहिम की शुरुआत कर दी है। दिल्ली के जीवी रोड पर अंग्रेजों के जमाने से देह व्यापार कर जीवन बसर कर रही महिलाओं की बेटियों के लिए दिल्ली के शांति निकेतन से एक गुरुकुल की शुरुआत की गई है। दिल्ली के शांति निकेतन में शुरू हुए इस प्रकल्प अपराजिता में छात्रावास समेत तमाम वो सुविधाएं इन बच्चियों के लिए उपलब्ध होंगी जिनसे इनके भविष्य को संवारा जा सके और उन्हें उस जीवन में वापस ना जाना पड़े जहां इनकी माताओं को जाना पड़ा। दिल्ली दर्पण टीवी ने बातचीत की इस प्रोजेक्ट के सूत्रधार और सेवा भारती दिल्ली प्रांत के अध्यक्ष रमेश अग्रवाल से। ये आज 8-9 है, कभी ये 80 बनेगी, फिर ये 800 बनेगी, वो 2800 बनेगी, आज 2800 है तो कभी वो 15-20 साल के अंदर 12 भी आएगी, 15 भी आएगी। तो ऐसे एक प्रयास के लिए एक सेवा भारती ने एक छोटा सा प्रयास किया है और उनका प्रयास ये नहीं मानना है कि 20 साल के बाद इस व्यवसाय में ऑलमोस्ट नेग्लिजेबल बहने रहेगी, ऐसा मानना है। जीबी रोड की महिलाओं की अगली पीढ़ी को मुख्य धारा में लाना, उनका भविष्य संवारना और फिर उनके माताओं को भी जीबी रोड के कोठों से बाहर की दुनिया में प्रवेश कराने की दूरदर्शिता, ये संभव हुआ है सेवा भावी सामाजिक महिलाओं के एक समूह के संकल्प से। शांति निकेतन स्थित छात्रावास में हवन पूजन के साथ हुए उद्घाटन पर दिल्ली पुलिस के कई अधिकारियों के साथ साथ कई समाज सेवी भी शामिल हुए। इनमें जॉइंट सीपी क्राइम श्री आलोक कुमार, श्रीमती निशी सिंह, डॉक्टर भूटानी, सेवा भारती अध्यक्ष श्री रमेश अग्रवाल, श्रीमती मंजू अग्रवाल, डेलियट्स डायरेक्टर श्रीमान दीपक, श्रीमती अमृता कोचर, सोनिया गुप्ता, एडवोकेट शिखा सूद ने मुख्य अतिथि और वक्ता के रूप में अपराजिता की उपयोगिता पर अपने विचार साझा किए। इनमें इन महिलाओं ने जिम्मेदारी ली है कि वो इस सेवा कार्य में न केवल भागीदार बनेंगी बल्कि नियमित रूप से समय भी देंगी। 9 बच्चियों से शुरू हुए इस विजनरी प्रोजेक्ट को सैकड़ों बच्चियों तक पहुंचाने की योजना है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप सेवा के लिए आगे आते हैं, तो ये बच्चियां जो हैं ये अखंड स्तंभ बनेंगी हमारे समाज का। बहुत बहुत शुक्र करती हूँ कि आज इन मासूम निर्दोष बच्चों के लिए जो सेवा भारती ने कार्य शुरू किया है तो उनके लिए मुझे कुछ सेवा करने का अवसर मिला। अपराजिता से लोग किस भावुकता और भावना के साथ जुड़े हैं वो भी अपने आप में एक मिसाल है। अपराजिता की अध्यक्षा जॉली सप्रा तो अपने अनुभव को साझा करते हुए भावुक हो उठी और अपने आंसू रोक नहीं पाए। एक सफेदी वाले की मजदूर की बच्ची मेरे पास बहुत बारी आई कि मेरे माँ बाप मुझे पढ़ा नहीं सकते, मैं पढ़ना चाहती हूँ लेकिन मैंने अभी इसको वादा किया है, अभी ये 10th क्लास कर रही है लेकिन पढ़ाई की कुछ सीमा नहीं, अब हम इसको जितना ये पढ़ना चाहेगी अब सेवा भारती अपराजिता मिल के हम इसको पढ़ाएंगे, अभी हमारी शरण में आ गई है, हमारी बेटी बन गई है, इसी को हमने बढ़ाना है क्योंकि माँ बाप के पास खाने के लिए पैसे नहीं है तो पढ़ाने के लिए कहाँ से पढ़ेंगे। देखा आपने, जहाँ इस तरह की भावना, संवेदना और सेवा का भाव समागम हो वहाँ आखिर अपराजिता को विजय होने से कौन रोक सकता है। इस कार्य में दिल्ली पुलिस,
अन्य सामाजिक संगठन और कई समाज सेवी महिलाएं शामिल हैं, जो इस प्रोजेक्ट की सफलता की सूत्रधार बनेंगी। दिल्ली दर्पण टीवी सेवा भारती के इस पुण्य कार्य को प्रणाम करता है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।